रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आलू का ज़र्दा बना रहे हैं, जिसके लिए हमें पानी चाहिए। जिसमें हम आलू को थोड़ा सा बॉईल करेंगे। पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसमें हम ये कद्दूकस किए हुए आलू ये हम डालेंगे और एक बॉईल पे उसको हम निकाल लेंगे। आधा चम्मच तकरीबन इसमें मैं ज़्यादा रंग डालूँगी। और दो ढक्कन इसके अंदर गुलाब का अर्क ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलूओं को पानी के अंदर डाल दिया। ये थोड़ा सा गर्म होने तक हम इसको पकाएंगे और फिर इसको पानी को खुशक कर देंगे। अब ये पानी गर्म हो गया है, इसको मैं पानी निकालने लगूँ इसका, ताकि ये ज़्यादा गल ना जाए। अगर ये गल गए तो ये बिल्कुल आलू का ज़र्दा सही नहीं बनेगा, इसलिए ये अब इसका पानी मैं निकाल रही हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दें ताकि ये अपनी जगह पे सही रहे। और अब आँच को धीमी करके देसके को ऊपर रखना है और इसमें ये इलायची और घी पकड़ाओ पीछे से मुझे। तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच मैंने घी के डाले। अब इसमें हम पहले आधा कप दूध डालेंगे। इसके बाद मैं तकरीबन ये 3 पाव के करीब चुनी है 1 किलो आलू में, ताकि इसका मीठा सही रहे। और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, पानी डाला तो आलू खराब हो जाएंगे और ये ज़्यादा नहीं बनेगा। और इसमें अब हमने 1 कप सूखा दूध, खोया नहीं है उसकी जगह पे हम लोग ये सूखा दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। ये खोए की जगह हमने सूखा दूध डाल लिया है, ताकि सूखा दूध खोया तो इस वक्त नहीं है, तो सूखा दूध इसीलिए डाला है कि इसका जायका अच्छा हो। दूध मैं और डाल रही हूँ ताकि ये चाश इसकी अच्छी सही हो जाए, ठीक ना हो ज़्यादा और ना ज़्यादा पतली हो इसकी चाश जो है।
अब इसमें मैं आलू डाल रही हूँ, थोड़े थोड़े करके डालने हैं ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। आगे आ जाना, अब इसमें मैं मेवा डालूंगी और ये मुरब्बे डालूंगी। आधा कप इसमें मैं ये क्रीम का डालूंगी। पानी अब खुशक होने पे आ गया, अब 2 से 3 मिनट और लगेंगे, इसका पानी खुशक हो जाएगा और इसके बाद हम इसको हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे। अब इसका पानी खुशक हो गया और इसको मैं हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखूंगी। इसकी आंच मैंने बंद कर दी और जर्दा हमारा तैयार है। अब इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह। माशाल्लाह। ले जी, यह सर्दियों की ख़ास सौगात आलू का हलवा, गरम गरम खाएं और मज़े उड़ाएं। आप इसको पकाएं और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।